सुना है आजकल की लड़कियों को अच्छी बॉडी वाले लड़के अच्छे लगते हैं। ये वो क्यों नहीं रहा? अच्छा सुबह से कुछ खाया पिया नहीं ना, शायद इस वजह से। लोग बराबर बोलते हैं, खाली पेट एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। पहले दूध पी लेता हूँ, फिर कल से शुरू करता हूँ। गुड मॉर्निंग पपड़ भाई। अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल, आजा आजा। कैसे है पपड़ भाई? अरे एकदम फर्स्ट क्लास, फिट एंड फाइन। अच्छा हुआ तू आ गया भाई, कल से आधा लीटर दूध ज्यादा लगेगा। हाँ अच्छा क्यों? अरे मैं अपनी सेहत बना रहा हूँ ना, तो कल से दूध ज्यादा लगेगा। पोपट भाई, ये मेंटेनेंस का बिल और मेरे दुकान का बिल पिछले महीने का। अरे अब्दुल ये क्या है? ये दूध का पैसा ज्यादा क्यों लगाया भाई? वो क्या है ना, कंपनी ने एक महीने पहले भाव बढ़ा दिया है, 5 रुपए लीटर। क्या 5 रुपए प्रति लीटर? एक महीने से भाव बढ़ गया और तू मुझे आज बता रहे? सॉरी। सच बता भाई, ये दूध का भाव तुमने बढ़ाया कि कंपनी ने बढ़ाया? नहीं नहीं, कंपनी नहीं बढ़ाया। अरे ऐसे कैसे कंपनी दूध का भाव बढ़ा सकती? पैसे क्या पेड़ पे उगते? क्या पोपट भाई आप भी, अगर पैसे पेड़ पे उगते तो सारे बंदर करोड़पति बन जाते। ये अब्दुल मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सॉरी, फिर से सॉरी। अरे कंपनी वाले ऐसे कैसे भाव बढ़ा सकते हैं? इसी तरह से भाव बढ़ते रहे तो आम इंसान दूध कैसे पिएगा, अपनी सेहत कैसे बनाएगा? मैं मुझ जैसे कुंवारे आदमी को अपनी सेहत बनानी बहुत जरूरी है, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। और अगर ये बात तुम मुझे पहले बता देता तो मैं देसी दूध कंपनी की दुनिया हिला देता, उनके खिलाफ हमारे अखबार तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखता, मोर्चा निकालता, किसी भी तरह मैं दूध का भाव कम करवाता। लेकिन अभी तो एक महीने से भाव बढ़ा हुआ, अब कुछ नहीं हो सकता भाई, अब क्या करूं? फिर से सॉरी भाई, तू सॉरी बोलना बंद कर। देख अब्दुल, मुझे इतना महंगा दूध नहीं परवड़ेगा, लेकिन क्या करूं, अभी मेरे लिए सेहत बनानी जरूरी है और सेहत बनाने के लिए दूध पीना जरूरी है। थोड़े दिन के लिए ये दूध चालू रखता हूँ, लेकिन फिर ढूंढता हूँ भाई, मुझे कोई और अच्छा दूध सस्ते में मिल गया तो मैं ये देसी दूध कंपनी का दूध बंद कर दूंगा। और हाँ, तो कल से मैंने तुझे वो दूध ज्यादा लाने को बोला था ना, वो मत लाना भाई। अच्छा चलता हूँ। केसरियो रंग तन लाग्यो मारी चायड़ी, आहा केसरियो रंग तन लाग्यो रे लो। पापा कैच। क्या कर रहा है टप्पू? सॉरी वो अभी बॉल दूध पर लगता, दूध गिर जाता तो। पापा मुझे आपके हाथ में ट्रे दिखी नहीं। अरे क्या दिखी नहीं, और वैसे भी ये कोई खेलने की जगह है टप्पू। क्या पापा, आप कैच नहीं पकड़ पाए इसलिए ऐसा बोल रहे ना? बेटा वो मेरे हाथ में ट्रे थी ना, इसलिए मैं पकड़ नहीं पाया। अगर ट्रे नहीं होती ना तो एक अच्छा कैच पकड़ लेता। अच्छा ठीक है, देखते हैं, हम कैच कैच खेलते हैं, जिसने भी पहले कैच ड्रॉप किया वो हारा। ठीक है चला। ठीक है पापा रेडी? हाँ रेडी रेडी, चल कैच। क्या बात है, क्या बात है, तू रेडी? कर लिया ना कैच पापा? हाँ देखा भाई देखा, चल 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 रेडी कैच। हाँ कुछ भी ऐसा वैसा कर बेटा, मैं पकड़ लूंगा। चल अभी ये पकड़। पापूजी अरे क्या कर रहा है टप्पू तू? खड़ो जाए, क्या कर रहा है टप्पू? अरे पापा मैंने क्या किया, आपने बॉल फेंका। अरे तो कैच पकड़ना चाहिए ना तुझे। पापा लेकिन मैं कैसे पकड़ता बॉल, आपने पहले मेरी तरफ बॉल फेंकने की एक्टिंग की, फिर आपने बॉल यहाँ फेंक दिया। चुप रहे पप्पूजी। पप्पूजी आपको लगा तो नहीं ना? अरे चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा इतना कमजोर नहीं है कि एक छोटा सा बॉल उसे चोट पहुंचा सके। अरे बचाव का शुद्ध देसी घी खाया है ये देख। ओहो बापूजी। नहीं मेरा मजबूत बापूजी। मजा आ गया। उसमें मजा क्या आ गया, मैं गिरा उसमें मजा आ गया? नहीं नहीं, ये उम्र में भी आप इतने मजबूत हो, मुझे देख के मजा आ गया।
वाह वाह बापूजी, आप मुस्कुराए तो अभी लग रहा है कि आज की प्रभा शुभ हुई। शुभ प्रभात बापूजी। शुभ प्रभात। आइए आइए नाश्ता कर लेते हैं। हाँ,